देखो, इफ ऑल द मीटर्स एंड वोल्ट मीटर शोन इन द सर्किट आर आइडियल, देन फाइंड आउट रीडिंग ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? देखो, आइडियल वोल्ट मीटर है, नो करंट इन ब्रांच हैविंग V1 एंड V2, ये ध्यान रखेंगे, बस यही है सर्किट में और कुछ नहीं है। कि आपका जब इस तरह से आइडियल बोल दे सारी चीजें, तो जिन ब्रांचेस में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी इसकी रीडिंग तो डायरेक्टली 0 हो गई A3 की। क्लियर है बेटा? एक बार ध्यान से देख लें, कोई गलती तो नहीं करेंगे आप ऐसी प्रॉब्लम। आइडियल वोल्ट मीटर में नो करंट इन द ब्रांच हैविंग V1 एंड V2, तो IA3 0 हो गया आपका। A1 और A2 में आपको निकाल लो या आपको आंसर भेजा था। हाँ, चाहे मैच कराओ मैच कराओ। अब देखा नहीं मैंने, सही थे काफी के। तो A1 A2 का कितना आ जाएगा? A1 A2 तो सेम आएंगे बेटा, एक ही करंट चल रही, तो आप इक्विवेलेंट बैटरी कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। देखो, डायरेक्ट है तो यूज कर लेंगे, ये सपोर्ट कर रही है, ये उसी डायरेक्शन में, ये अपोज कर रही है। तो जैसे आपको बताया गया था कि इसका ऐड कर दो 2E-E, 2E-E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4, तो 2E/E/4R आ जाएगा। तो A1 और A2 की रीडिंग कितनी आ गई? E/4R आ गई। ठीक है ना, A1 A2 की रीडिंग कितनी आ गई? E/4R आ गई। तो A से B आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो आप। A से B अगर करंट जा रही है तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो आपकी V1 की रीडिंग हो जाएगी। ये बताया मैंने आपको, जिन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, कनेक्शन के बाद उन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर ए और बी के बीच कनेक्टेड है, तो आप KVL से ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, वो वोल्ट मीटर V1 की रीडिंग हो जाएगी। और सी से डी तक देख लीजिए आप, सी से डी आपको VC-VD लिखना है, तो सी से डी आप KVL लिख देंगे, VC-I×R प्लस E=VD। तो VD-VC निकल के आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। देख लो बेटा, इस तरह की हैंडलिंग आपको आ गई। हाँ, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? नोडल से डी पे 0 लोगे तो, अरे डी पे 0, तो एक ही लूप में अगर बहुत सारी बैटरीज और रेजिस्टेंस लगी होती है सिंपल केवीएल से आता है, तो नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लिया अपन ने।